जहाँ तक सवाल है अग्निपथ का, मैं खुद फौज में रहा हूँ और मैं आर्मी में मैं ऑफिसर रहा, कैप्टन के रैंक पर इस्तीफा दे गया है। जो अग्निपथ योजना है, ये योजना बहुत ही घातक है देश के लिए, क्योंकि आप देखिए जो जवान 4 साल के लिए आप ठेका भी ले रहे हैं, उसके आप 6 महीने 180 दिन तो आप निकाल दो उसके ट्रेनिंग के, और 120 दिन छुट्टी है उसके, 30 दिन छुट्टी मिलती है, तो 1120 दिन रह गए। 1120 दिन में अगर वो गनर है या टैंक का ड्राइवर है या टैंक का गनर है या आर्टिलरी का गनर है, कम से कम उसकी 6 महीने की ट्रेनिंग ही रहनी चाहिए। और ऐसे ऐसे बिल लेके आ रही है जिन बिलों की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे अग्निवीर की बात करें, किसान बिल की बात करें, जीएसटी की बात करें, नोटबंदी की बात करें। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक सवाल है अग्निपथ का, मैं खुद फौज में रहा हूँ और मैं आर्मी में मैं ऑफिसर रहा, कैप्टन के रैंक पर मैं इस्तीफा दे गया है। जो अग्निपथ योजना है, ये योजना बहुत ही घातक है देश के लिए, क्योंकि आप देखिए जो जवान 4 साल के लिए आप ठेका पे ले रहे हैं, उसके आप 6 महीने 180 दिन तो आप निकाल दो उसके ट्रेनिंग के, और 120 दिन छुट्टी है उसके, 30 दिन छुट्टी मिलती है, तो 1120 दिन रह गए। 1120 दिन में अगर वो गनर है या टैंक का ड्राइवर है या टैंक का गनर है या आर्टिलरी का गनर है, तो कम से कम उसकी 6 महीने की जो ट्रेनिंग उसकी उसमें चाहिए, तो मात्र जो है 2 साल बच जाते हैं इसमें जवान जो है फौज में रहेगा। और देखो इसमें 25% लोगों को रखेंगे, 75% लोगों को बाहर छोड़ देंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो नौजवान है जो शादी जो अगर कर लेगा तो अपने बच्चे कैसे पालेगा। सरकार को इस योजना को वापस ही लेना चाहिए, या फिर 75% लोगों को सीधा पैरा मिलिट्री फोर्सेस में ले लें, अब्सॉर्ब कर लें सीधा, बजाय इसके कि वो बेरोजगार होकर एक जो ट्रेंड आदमी है जिसको गन चलानी आती है, और अगर वो बेरोजगार होगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो ये देश के लिए बहुत घातक है, बल्कि मैं कहूँगा ये देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए ये खतरनाक रहेगा। सर शादी के लिए 21 साल घोषित कर दी गई है, और जब वो नौकरी से आएगा तो क्या लड़की वाला है वो रिटायरमेंट के साथ शादी करेगा? मैं आपको ये तो कह रहा हूँ ना कि शादी तो आदमी ने करनी होती है, लेकिन जो है अब इन्होंने 23 साल भी तो कर रखा है ना, 23 साल तक अभी इन्होंने छूट दी है, तो जो 23 साल का हो जाएगा तो उसकी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, कहाँ से पालेगा। तो मेरा ये कहना है, देखिए सरकार की योजनाएं जितनी भी हैं, अर्थव्यवस्था हमारी चौपट हो गई है, 90% जो हमारे ऊपर कर्जा हो गया है, और श्रीलंका के ऊपर हुआ था 106, तो आप सोच लीजिए कि आज हालात हमारे हरियाणा के अंदर जब हम सरकार छोड़ के गए थे तो 17,000 करोड़ कर्जा था, आज सरकार के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए कर्जा है हरियाणा में, और पंजाब में और ही बुरी हालत है, पंजाब में तो 53% कर्जा है, 53% कर्जा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर भी वो फ्री दे रहे हैं सब कुछ, बिजली फ्री कर रहे हैं। तो ये जो फ्री का मामला जो लोगों के जेब से जाता है, उससे जो है देश के हालात बिगड़ेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। अभी अनाज है, इन्होंने जो बड़े बड़े जो पूंजीपति थे उन्होंने गेहूं खरीद लिया बाजार से, सरसों खरीद ली, अब सरकार के पास जो राशन देंगे उसके लिए पर्याप्त जो है गेहूं भी नहीं है, पर्याप्त तेल भी नहीं है, तो जब भुखमरी आएगी तो हालात बिगड़ेंगे। ओबीसी आरक्षण पर क्या कहेंगे?
देखिए जहां तक आरक्षण की बात है कि कास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, जिसको हमारे मौली जी ने, डॉक्टर मौली ने किया था, उसको आज तक सरकार ने उजागर नहीं किया। जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा, शैक्षणिक, आपका आर्थिक, सामाजिक, जब तक अब आपके पास डाटा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट आपके आरक्षण को, जैसे हमारे हरियाणा में अभी जो हमारे काउंसिल के इलेक्शन थे, कमेटी के इलेक्शन थे, आरक्षण समाप्त कर दिया। अभी महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर भी ये विपदा आ रही है, वहाँ पर ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा। तो इसलिए अभी हरियाणा ने गठन किया है पिछड़ा आयोग, तो जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा या हर राज्य में पिछड़ा आयोग गठित हो, ओबीसी का डिपार्टमेंट अलग हो ताकि उसके लिए फंड्स अलग हो, स्कॉलरशिप अलग हो, पूरी जनगणना करें कि किस कास्ट के। अब ओबीसी के अंदर हमारे हरियाणा में ए एंड बी कर रखा है हमने, 11% दे रखे हैं जो किसान जाति से लोग हैं, जैसे गुजर हैं, अहीर हैं, मेव हैं, बाकी में जो नाई, धोबी, तेली वगैरह जो लोग हैं उनको बीसी ए में कर रखा है, तो उनको 16% आरक्षण देते हैं, 11 देते हैं। अब हाईकोर्ट ये कह रहा है कि आप आरक्षण देने से पहले आप हमें डाटा दीजिए जी, तो इसलिए जो है अभी इन्होंने गठित किया है। तो मेरी तमाम जितनी भी सरकारें हैं उनसे कहना है, और खासतौर से केंद्र सरकार से कहना है कि कास्ट सेंसस लेके आए। सर डाटा जो अभी आप, अगर कास्ट सेंसस नहीं होगा, कास्ट सेंसस नहीं होगा तो आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट मांग रहा है डाटा, तो इसलिए कास्ट सेंसस करें। और जो पिछड़ा आयोग है उसमें 27% जो आरक्षण है, ये कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि हमारा जो पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है वो करीबन 55-56% है देश के अंदर, आरक्षण 27% मिल रहा है, जिसकी जितनी आबादी उतना हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उसकी भागीदारी होनी चाहिए, इस हिसाब से अगर करते हैं। अरे हम तो कह रहे हैं हमारा 27% ही पूरा कर दो, कम से कम ये तो नहीं कहेंगे कि हम किसी का हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जिसकी जितनी आबादी और जितना जो गरीब है, उनमें भी जो गरीब आदमी है, आर्थिक रूप से जो कमजोर है, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन सर अभी नए संसद भवन में जो अशोक स्तंभ लगाया है उस बहुत चर्चाओं का विषय बना हुआ है, खूब विरोध कर रही है। देखिए ऐसा है, आपने देखा होगा अशोका जो थे वो उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, और बुद्धिज्म को श्रीलंका में और अनेकों जो नॉर्थ ईस्ट में और आपके थाईलैंड में, आपके बर्मा के अंदर, वहाँ पर बहुत प्रचार हुआ। उनका मकसद था कि अहिंसा, जो शेर के जो उसमें प्ररूप जो दिखाया गया था वो शांत था, इसके अंदर दिखाया गया है कि वो क्रोधित है, खुखार बना दिया है, खुखार बना दिया है। तो मोदी जी को इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन हमारा पुराना इतिहास है उसके साथ छेड़छाड़ करना ये गलत है। सर ऐसे में विपक्ष है कहाँ, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है गलत नीतियों के खिलाफ आवाज पुरान करना। जिस तरह से रफेल में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक व्यापक स्तर पर कांग्रेस सड़क पर थी, अब कांग्रेस सड़क पर नहीं थी। तो एसी रूम में बैठ के किस तरह से नीतियों का विरोध होगा और किस तरह से नीतियों को अमली जामा पहनाने से रोकना होगा। अभी 7 अगस्त से 14 अगस्त तक यात्राएं शुरू कर रहे हैं, 7 दिन में हो जाएगा ये, जो पिछले 8 मिनट में, सर माफ कीजिएगा, देखिए या तो आप मुझे जवाब दे दीजिए। सर मेरा क्वेश्चन, 7 से 14 तारीख तक ये स्टेजेस में होंगे, कोई एकदम थोड़ी ना कोई बात होती है, आप चाहें कि आप एक दिन में, तो 7 से 14 और उसके बाद सितंबर में भी हमारी प्रोग्राम पार्टी बना रही है जिसमें यात्राएं होंगी, लोगों को हम बताएंगे कि लॉकडाउन का क्या असर पड़ा और आपके कोविड के अंदर क्या हालत हुई, अर्थव्यवस्था हमारी कहाँ है,
सारी बातें सरकार को बतानी पड़ेगी किस प्रकार से। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट भी, किस तरह डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसमें उसने कहा है कि लाखों लोग मरे और ये हजारों बताते हैं जिनकी मौत हुई है। तो ये जितने भी आंकड़े हैं उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी हमारी केवल कांग्रेस की एक ही नीति है, मुख्य विपक्ष पार्टी हमारी है। हमारे चुनाव अभी हिमाचल में और गुजरात में है, उसके लिए भी हमने तैयारी करनी है। तो हम जो है योजनाबद्ध तरीके से हमारी पार्टी जो है, अभी हमने 20 जगह ये जो अग्निपथ मामला था उसको लेकर हमने वहाँ पर मैं भी गया था, जम्मू गया था मैं, और ओबीसी का जो मामला है उसको मैं जगह जगह जा उठा रहा हूँ। मैं सेंसस का मामला है, मैं कम से कम 12 प्रदेशों में होके आया हूँ। अभी मैं छत्तीसगढ़ कल जा रहा हूँ, 18 को वापस आऊँ। तो हम लोग अपनी इकाइयाँ बना रहे हैं और हम इसको ओबीसी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि वो अपने हक के लिए मजबूर करेगी सरकार को। मोदी जी भी ओबीसी हैं, मोदी जी अगर ओबीसी होते तो कहाँ सेंसस कराते। अगर वो ओबीसी हैं, अगर वाकई में उनको थोड़ा दर्द है, वन रैंक वन पेंशन के लिए पहली जो मीटिंग हुई थी वो रेवाड़ी में हुई थी, अब सबको मालूम है वहाँ क्या वादा किया था, वन रैंक वन पेंशन। अब कर रहे हैं नो रैंक नो पेंशन, क्योंकि ये जो अग्निपथ की योजना लाने का मकसद केवल एक ही है कि पेंशन को समाप्त करना। सर, वरुण गांधी जी ने जो अपने पेंशन को लेने से मना किया, मैं पेंशन नहीं लेंगे। अगर अग्निवीर को अगर पेंशन नहीं दी जाती है तो वरुण गांधी जी ने ट्वीट किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैं पेंशन नहीं लूंगा, और ऐसे ही नेताओं को अपनी पेंशन खत्म कर देनी चाहिए। ऐसा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो एक दफा एमएलए बनते हैं, गरीब घर से होते हैं, उनके यहाँ लोग चाय पीने भी आते हैं, उनको कन्यादान भी देना होता है, तो उनको अगर पेंशन मिलती है तो उसमें लोगों की तलाश क्या है। आप जो है मुद्दे से भटक रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।